एक दिन गांव में मेला लगा था। उसमें बहुत सारी चीजों की दुकानें लगी हुई थी। मेले में बहुत भीड़ थी और उसी में सारिका और उसकी बेटी प्रिया भी घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दोनों थक गए और गन्ने का शरबत पीने के लिए रुक गए। शरबत की दुकान के बाजू में ही खिलौनों की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें तरह तरह के छोटे बड़े खिलौने थे। प्रिया का ध्यान उस दुकान में रखी हुई एक गुड़िया पर गया। वो गुड़िया बाकी सारी गुड़ियों से अलग और बड़ी दिख रही थी। प्रिया का ध्यान उस गुड़िया पर ही था। वो उसे देख रही थी और अचानक गुड़िया प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिया भी उस गुड़िया को देखकर मुस्कुराने लगी। गुड़िया ने सिर हिला के प्रिया को अपने पास बुलाया और प्रिया ने भी उसकी बात मानकर शरबत का ग्लास नीचे रखा और उसके पास चली गई। प्रिया ने गुड़िया को हाथ में उठाया और उसे सहलाने लगी। प्रिया को अपने पास ना पाकर सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! सारिका की आवाज सुनकर प्रिया ने खिलौनों की दुकान से आवाज लगाई। माँ, मैं यहाँ हूँ। सारिका दौड़ती हुई उस दुकान में गई। कितनी घबरा गई थी मैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ, ये गुड़िया देखो ना, कितनी खूबसूरत है। ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बुला भी रही थी। मुझे ये चाहिए। सारिका ने गुड़िया की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था। फिर उसने मुस्कुराकर प्रिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, ले लेते हैं। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। भाई साहब, इस गुड़िया के कितने हुए? जी 50 रुपए। सारिका ने उसे पैसे दिए और दोनों उस दुकान से निकल पड़े। गुड़िया फिर से हंसने लगी, पर इस बार उसकी हंसी कुछ डरावनी लग रही थी। सारिका और प्रिया अपने घर पहुंचे। घर आते ही प्रिया ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। प्रिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके साथ खेलना। चलो, रख दो उस गुड़िया को और जाकर पढ़ाई करो। प्रिया ने नाखुश होकर गुड़िया को एक जगह पर रखा और किताबें लाने के लिए अपने कमरे में चली गई। प्रिया के जाने के बाद गुड़िया ने अपनी मुंडी सारिका की तरफ घुमाई और गुस्से से उसे देखने लगी। गुड़िया की आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। प्रिया को आता देख गुड़िया फिर शांत हो गई। रात को मैं इस गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। ठीक है, अब पढ़ाई करो। रात हो गई थी और प्रिया के पापा रंजीत भी अपने काम से वापस आ गए। पापा के आते ही प्रिया ने पढ़ाई बंद की और उन्हें गुड़िया दिखाने लगी। पापा, ये देखो, हमने नई गुड़िया खरीदी। रंजीत वो गुड़िया देखकर गुस्सा हो गया और सारिका को आवाज देने लगा। सारिका, सारिका, बाहर आओ। सारिका दौड़ती हुई बाहर आई। क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रंजीत ने गुस्से में वो गुड़िया जोर से फेंक दी और इस वजह से उस गुड़िया की मुंडी टूट गई। दोनों को झगड़ता देख प्रिया रोने लगी और दौड़कर गुड़िया के पास चली गई। टूटी हुई गुड़िया को लेकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद सारिका प्रिया को खाना खाने के लिए बुलाने आई। प्रिया बेटा, चलो खाना
खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रिया ने खाने से साफ इनकार कर दिया। गुड़िया टूटने की वजह से वो बहुत रो रही थी और रोते रोते बिना कुछ खाए गुड़िया को अपने पास रखकर सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। सारिका और रंजीत अपने कमरे में सो रहे थे। प्रिया भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से गुड़िया की आंखें चमकने लगी और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया की पकड़ से बाहर आई और अपने आप चलने लगी। उसकी टूटी हुई मुंडी उसने अपने हाथ में पकड़ी थी। चलते चलते वो प्रिया के कमरे से बाहर आई और सारिका और रंजीत के कमरे में जाने लगी। गुड़िया उन दोनों के कमरे में आ गई। उसने अपना एक हाथ खड़ा किया और उन दोनों को हवा में उठा लिया। जैसे ही वो छत तक पहुंचे गुड़िया ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो जोर से जमीन पर आ गिरे। दोनों नींद से जाग गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में सारिका का ध्यान गुड़िया की तरफ गया और उसे देखकर वो डर गई। वो गुड़िया अपनी मुंडी अपने एक हाथ में लिए खड़ी थी। ये कहां से आ गई और अपने आप खड़ी है? रंजीत गुस्से में गुड़िया उठाने के लिए गया, पर वो गुड़िया इतनी भारी हो गई थी कि रंजीत पूरा जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो गुड़िया उससे हिल भी नहीं रही थी। आखिरकार गुड़िया को गुस्सा आया और उसने रंजीत को जोर से बिजली का झटका दिया। झटके से रंजीत दूर जाकर गिरा। तुमने मेरी प्रिया को रुलाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया ने रंजीत की छाती पर छलांग लगाई। गुड़िया का वजन रंजीत को सहन नहीं हो रहा था। वो रंजीत की छाती पर अपने पैर पटकने लगी। जैसे जैसे गुड़िया की मार बढ़ती गई रंजीत के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और थोड़ी ही देर में रंजीत की मौत हो गई। सारिका मौत का ये सारा नजारा कोने में रोते हुए देख रही थी। गुड़िया रंजीत को मारने के बाद सारिका की तरफ बढ़ने लगी। गुड़िया को आता देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। मुझे कुछ मत करो, प्रिया का मेरे सिवा कोई नहीं है, हमें छोड़ दो। प्रिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब से मैं प्रिया का ख्याल रखूंगी। गुड़िया अपने हाथों से बिजली निकाल कर सारिका पर बरसाने लगी। उस बिजली के झटके को सारिका सह नहीं पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों को मारने के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाकर सो गई। जिंदगी की एक बात आप सभी गांठ बांध लो, अपनी सुरक्षा की खातिर आप कभी भी किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, वरना मौत ठीक वैसे ही तुम्हें दबोच लेगी जैसे उसने विकी और विनी को दबोचा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कसम से विनी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी सुंदर विचारों वाली साथी मिली है। मिस्टर मजनू, सामने देखिए, आशिकी के चक्कर में एक्सीडेंट मत कर बैठना। अरे अरे, ये क्या था? पता नहीं विकी, ऐसा लगा जैसे प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। अरे कौन हो तुम? मेरा नाम रंजन है, मैं यहाँ से जा रहा था कि अचानक मेरी कार का डीजल खत्म हो गया, तभी एक तुम अंदर आओ,
पागल हो गए हो विकी, इतनी रात में कोई अनजान आदमी हमारी गाड़ी के सामने आता है और तुम उसे अंदर बिठा रहे हो। देखो कुछ गलत हो गया तो। विन्नी उसकी हालत देख यार, उसे हमारी जरूरत है। प्लीज बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। विक्की गाड़ी चलाओ। अरे विन्नी तुम। विक्की मैंने कहा ना गाड़ी चलाओ। ओके ओके काम डाउन कूल डाउन। विन्नी की बात मानकर विक्की ने कार आगे बढ़ा ली, लेकिन कार के आगे बढ़ते ही विन्नी को अपने फैसले पर शक हो उठा। वो ये सोचकर दुविधा में पड़ गई कि कहीं ये सचमुच में एक जरूरतमंद इंसान तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या, क्या किसी जरूरतमंद इंसान को यूं रास्ते में घायल अवस्था में छोड़कर ऐसे ही चले जाना सही है। यही सब सोचते हुए उसने बैक व्यू मिरर से रंजन की ओर देखा। प्लीज बचा लो मुझे। विकी, विकी गाड़ी रोको। आर यू श्योर? विकी उसे हॉस्पिटल छोड़ के हम निकल जाएंगे। थैंक गॉड आप लोग वापस आ गए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाय द वे रंजन, मेरा नाम विकी है और ये विनी। हाय। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था, लेकिन इस सड़क पर आते ही मेरी कार अचानक झटके लेने लगी। झटके? इस प्लेन सड़क पर झटके? बिल्कुल, यही बात मैंने भी सोची थी, इसीलिए टायरों की हवा चेक करने के लिए मैं कार से उतरा, और जैसे उतरा ही था कि मैं हैरान रह गया। हैरान? हैरान किस लिए? वहाँ प्लेन नहीं, कच्ची सड़क थी जहाँ हजारों गड्ढे थे। ये क्या बकवास है। मेरा भी रिएक्शन आपके जैसा ही था विनी, इसीलिए मैं डर के मारे टायरों की हवा चेक किए बिना ही तुरंत कार में बैठ गया। कार स्टार्ट की, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। तभी मेरी नजर फ्यूल मीटर पर गई, तो मैंने पाया कार में डीजल ही नहीं है, जबकि मैंने चलने से पहले ही फुल टैंक करवाया था। लेकिन अब कार में एक भी बूंद डीजल नहीं था। और तभी अरे ये बदबू कैसी? मैं अभी उस चुड़ैल को देखकर हैरान ही था कि वो उछलकर मेरे सामने आ गई, और मैं जैसे तैसे उससे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन वो चुड़ैल एक काला साया बनकर मेरे सामने आ गई। मेरी ये हालत उसी चुड़ैल ने की है। मैं भाग तो रहा था, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे जाने नहीं दिया। वो काला साया बनकर फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार मैं जोर से चीखा। फिर क्या हुआ रंजन? ये रंजन, विकी, ये रंजन कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है। क्या? ओह गॉड, ये कहाँ गया? विकी, विकी मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत है। यहाँ से भागो विकी, निकलो यहाँ से, चलो। ना चाहते हुए भी विन्नी ने विकी के खातिर इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए एक अनजान व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन चलती कार से रंजन के यूं गायब हो जाने से विन्नी और विक्की दोनों सकते में थे। विक्की, कोई आदमी चलती गाड़ी से कैसे गायब हो सकता है यार? ये जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है विन्नी, आज बुरे फंसे हैं। विक्की जितनी तेज चला सकते हो चलाओ, चलो जल्दी, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए। ओ गॉड, ये सड़क तो सच में कच्ची है विनी, मतलब रंजन सही बोल रहा था, ये सड़क प्लेन नहीं कच्ची है। पर ये गायब कहाँ हो गया? हे भगवान बचा ले हमें। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं ये नहीं हो सकता। क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो विकी? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। विन्नी हमारी गाड़ी का भी डीजल खत्म हो गया, जैसे रंजन का हुआ था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमने हमने तो अभी फुल टैंक करवाया था ना।
ये बदबू कैसी है? ये तो डीजल की स्मेल है। सॉरी, मैंने ही तुम्हारा डीजल चुराया है। मुझे डीजल पीना बहुत अच्छा लगता है। कोई प्यार से मांगने पर नहीं देता, इसलिए मैं डीजल चुरा लेती हूँ। पर तुम हो कौन? मैं हूँ डीजल चोर चुड़ैल, जो कुछ देर पहले रंजन थी। और तुम्हें पता है, डीजल पीने के बाद मेरा मन क्या पीने को करता है? ताजा गरम गरम इंसानी खून। विनी, भागो! डीजल चोर चुड़ैल से बचना कठिन नहीं, नामुमकिन है। विकी, वो देखो मंदिर। मैंने सुना है भूत प्रेत मंदिर में नहीं घुसते, हम वही चलते हैं। चलो। मैंने कहा था ना, डीजल पीने के बाद मुझे खून पीना पसंद है। उसे पिलाए बिना तुम निष्ठुर लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। विनी, मंदिर में जाओ, हनुमान जी का सिंदूर उठाकर चुड़ैल पर डाल दो। अब मैं तेरा सिर खाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये विकी और विनी का प्रेम और उनकी नेक नीयत थी, जिसके चलते वो दोनों एक खूनी डीजल चोर चुड़ैल के हाथों से बच गए। लेकिन अगर आपको बचे रहना है तो आपको अजनबी रास्तों पर मिलने वाले अजनबी लोगों से दूर रहना सीखना होगा, वरना आपकी जान कभी भी जा सकती है। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से रो रहा था। पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी, क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल का कहना खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया।
चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां जलने लगी पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे। खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों की आग से उसे जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था। पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक आदमी वहां से भागने लगा। पर तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया पर अचानक उसे एक बात याद आई। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर भी जल गए। वो उन सबको खा गया पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी लेकिन आप तो। और खाना।
शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। बच्चा भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंज रही थी।